आपके चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज से मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर वन, और ये कॉन्सेप्ट आपको काम कहां पे आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप किसी तरह के कंपटीशन एग्जाम को लिखना चाहते हैं, बैंकिंग, रेलवे हो, एसएससी हो, तो ये सारे, या फिर जवाहर विद्यालय का एग्जाम हो, नेत्रहाट का एग्जाम हो, या फिर सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम लिख रहे हैं, तो आपको वहां पे जो मैथ पूछे जाएंगे, उस मैथ को जो है, ये जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत बड़ा मदद करेगा। तो इसके लिए आप देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर वन है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब हम यहाँ पे नंबर को देखेंगे। तो नंबर क्या है? नंबर यहाँ पे होता है क्या ना, कि सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर जो स्टार्ट होता है वन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जितने भी नंबर होते हैं, तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर इसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इंक्लूड कर देते हैं, तो वो हो जाता है होल नंबर। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। हिंदी में उसे कहते हैं सम संख्या। 2, 4, 6, 8 दीज आर कॉल, ये जो नंबर है वो कहलाते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से आप जितने भी नंबर है बहुत सारे, वो ऑड नंबर कहलाएंगे। बात करते हैं प्राइम नंबर की। देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एक वीडियो जो है मैं बना चुका हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं डिटेल में, ठीक है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा हिंट्स उसका दे देता हूं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 1 को अगर देखा है तो 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर, वो 1 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 को अगर देखें तो 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा और वो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए वो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अगर बात करें यहाँ पे 3 का, तो 3 भी 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर है, तो वो भी जो है वो होता है प्राइम नंबर। 4 की बात करें तो 4 जो है वो किससे किससे डिवाइड होगा? 4 डिवाइड होगा 1 से, 2 से और 4 से। तो ये जो है 4 जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यही जो है कुछ नंबर्स है जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो लार्जेस्ट अगर 1 डिजिट की बात करें तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है 9 होता है, क्योंकि 9 के जस्ट बाद में आता है 10, और 10 जो होता है वो 2 डिजिट का नंबर होता है। तो जो 10 हो गया वो हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही जाते हैं तो 99 आता है, तो 99 जो होता है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया, और इसके बाद आता है 100, तो 100 हो गया 3 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 100। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर को समझ सकते हैं। तो ये हो गया कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आता है आपको, तो नेक्स्ट आगे जो है मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 लेके आऊंगा। आप इसी तरह से वीडियो पे बने रहिए। तो आप जो वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4 इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।